मैं बैंक में हूं तो मैं पहली प्रायोरिटी स्कूल वाले को दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां स्कूल बनती हैं तो फिर ऐसे 50 दफ्तर बनाने की ताकत तो उनके अपने आप आ जाने वाली है। और इसलिए हमारे इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटी क्या बने, पैसे देने की प्रायोरिटी क्या बने, ये अगर हमने चेंज शुरू की जिसके मल्टीपल हमें बेनिफिट हो, अगर ये होगा तो मैं मानता हूं कि बहुत ही लाभ होगा। हमने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक जो मिशन उठाया है, अब जैसे अरुण जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की जो हमने योजना बनाई जिसमें हमने मध्यम वर्ग गरीब, धोबी हो, नाई हो, दूध बेचने वाला हो, अखबार बेचने वाला हो, उसको मुद्रा योजना के तहत फाइनेंस कैसे हो। इस देश में करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं इस प्रकार के काम में, और उनका एवरेज कर्ज 17,000 रुपया है, 17,000 रुपीज, कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन वे ये पैसे साहूकार से लेते हैं, बहुत ब्याज देते हैं, और वो अपना विकास विस्तार नहीं कर पाते हैं। मुद्रा योजना के तहत हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को इस ब्याज के चक्कर से मुक्ति दिलाना और उनको फाइनेंशियल हेल्प लिबरली करना। हमने 50,000, 5 लाख, 10 लाख तक की उसकी व्यवस्थाएं की, 50 लाख की है, और अभी तो मैं समझता हूं मुश्किल से 100 दिन हुए होंगे इस योजना को लॉन्च किए। अब तक 61 लाख क्लाइंट्स एंड करीब 35,000 करोड़ रुपीस ये वहां गया है। 35,000 करोड़ रुपया बाजार के अंदर नीचे जाना मतलब इकोनॉमी को कितनी बड़ी ताकत देता है वो। 35,000 करोड़ किसी एक शहर में डालने से उतना चेंज नहीं आता है जितना कि हजारों गांवों के अंदर 35,000 करोड़ रुपए जाता है तो इकोनॉमी में एक वाइब्रेंसी आना शुरू हो जाता है, नीचे से शुरू हो जाता है, और ये आने वाले दिनों में देखेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस काम को हम बढ़ाया जाए। हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर के संबंध में 50 प्रकार के सवाल ये निसार उठे, अपॉइंटमेंट से लेकर के गवर्नेंस के लेकर के पैसे देने के संबंध में 50 प्रकार के सवाल या निशान लगे। हमने आने के बाद एक दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया, चिंतन शिविर की, सभी बैंक के लोगों के साथ डिटेल में चर्चा की, उनकी समस्याएं क्या हैं, सरकार से अपेक्षाएं क्या हैं, कानूनी मुसीबतें क्या हैं, सारी चीज़ों की विस्तार से चर्चा की। आरबीआई भी मौजूद था, मैं भी था, अरुण जी भी थे, काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई और उसमें से जो बातें आई उस बातों को हमने लागू करने का प्रयास किया है। हमने एक सप्तसूत्री योजना बनाई है जिस योजना का मैं समझता हूँ कि हमारे देश में ऐसी चीज़ों की चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा निर्णय है। और ABCDEFG ये सप्तसूत्री मेरा कार्यक्रम है, ये सप्तसूत्री कार्यक्रम बैंकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। एक है हमारा ये अपॉइंटमेंट्स, बैंकों में उच्च पदों पर नियुक्तियों में सुधार लाने का हमने फैसला किया है, और इसलिए हमने 1969 के बाद नेशनलाइज बैंक में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी लिया है। लोन देनी हो तो वाया उसी से आ जाए प्रपोजल, और फिर पता चले भाई तो पीएम का आदमी बोल रहा है देना ही पड़ेगा। ये डूबने के पीछे कारण यही है, और इसलिए हमने कहा है कि कतई हम नहीं करेंगे, सारे प्रोफेशनल लोगों को हम इस काम में लगाएंगे। सी, कैपिटलाइजेशन, पिछले कुछ वर्षों में दिए गए ऋण में बैड लोन्स, उसके कारण संकट आया है। अब रोते बैठने का कोई अर्थ नहीं है, और इसलिए हमने करीब आने वाले कुछ वर्षों में 70,000 करोड़ रुपया बैंक के अंदर डाल करके ये बैड लोन के कारण जो संकट है उसमें से हम बाहर लाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। डी, डिस्ट्रेस ऑफ एसेट्स, कुछ क्षेत्रों में जहां यह समस्या गंभीर है हमने इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने का डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सहारा दिया है। आपने देखा होगा हमने स्टील में अभी किया, ताकि जिसके कारण स्टील जो बैंक के साथ स्टील उद्योग पैसा लेता था उसको एक ताकत मिले, तो हमने डिस्ट्रेस के लिए कई कदम उठाने की दिशा में हमने काम लिया है।
छह हैं नए डेप रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिसमें हम बैड लोन्स रिकवरी इन सारे कामों को, मैंने कहा ऐसे, जैसे पावर सेक्टर हम बहुत तेज गति से निर्णय पर जा रहे हैं, पावर सेक्टर को एनपीए की जो समस्या से जुड़ा हुआ है उसको कैसे हैंडल कर रहा है। ई एम पावर का मेरा सीधा सीधा मतलब था, जब मैं पुणे में गया था इस मीटिंग में तब मैंने कहा था जीरो इंटरफेरेंस, आपको पॉलिटिकल लीडरशिप और एस्टैब्लिशमेंट से कभी फोन नहीं आएगा कि इसके लोन के क्या करना है लेना। और आज तक इतने महीने हो गए एक भी जगह से खबर नहीं आई है कि ऐसा कोई प्रेशर है, प्योरली प्रोफेशनली चलाइए और बाहर लाइए। तो इस प्रकार से बैंक को एम्पावर करने के हमें रेगुलरली कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं वो नहीं, कितना तो संतोष कभी कभी दे देता है, लेकिन कहाँ और कैसे और कितने समय में, उस दिशा में इंडिकेटर्स को हमने बल दिया है। और लास्ट है जी गवर्नेंस, हमारे बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस को बल देना है, हमें टेक्नोलॉजी पर जाना है, ट्रांसपेरेंसी को लाना है, साइबर क्राइम की सबसे ज़्यादा संभावनाएं बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल वर्ल्ड पर हैं, या तो डाटा चोरी करने की है, ये दो ही सबसे बड़े क्षेत्र हैं, और इसलिए हमको एश्योर करना होगा हमारे गवर्नेंस को। तो ऐसे सप्तसूत्री ये हमारी योजना के द्वारा इन सेवन पिलर पर पूरा बैंकिंग सेक्टर को ताकत कैसे मिले, सरकार ने इतने महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, बैंक कंधे से कंधा मिलाकर के उसके साथ चलेंगे, कुछ क्षेत्रों में बैंक दो कदम आगे होगी, और मैं समझता हूँ कि ये ताकत अल्टीमेटली भारत के जो निर्धारित लक्ष्य है और जिन माध्यमों से हैं उन सबको मिलकर हम पूरा कर सकते हैं आने वाले दिनों में। IDFC को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, वो इस क्षेत्र में बहुत प्रगति करे, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।